हाँ चलो ऐसा नहीं ना कि यही रखा क्वेश्चन आ जाएगा, मैथ्स में लॉजिक बनता है ना। तो चलो अब इस क्वेश्चन को समझो बड़े प्यार से। ये पूछ रहे कॉस का, लेकिन मैं आपको कॉस का नहीं बताऊंगा, आपको खुद बताओगे आप लोग। मैं आपको साइन का समझाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कंसेप्ट समझो। ये नहीं है क्वेश्चन, यही आएगा। पहले क्वेश्चन का मीनिंग बताता हूँ, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। राइट द रेंज ऑफ द वन ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। मैं लेकिन इसको आप साइन का मैं समझा रहा हूँ आपको, किसका समझा रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स का। तो ये डोमेन हो गया और ये इसका रेंज हो गया। डोमेन जो होता है वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में रखते हैं, और रेंज होता है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। तो ये साइन इनवर्स की रेंज है, मतलब प्रिंसिपल ब्रांच है। क्या है ये, कह रहा है इसके अलावा, इसको छोड़ दो। साइन इनवर्स की जो 12th क्लास में जो हमने पढ़ा है हर बुक में, वो ये पढ़ा है कि ये साइन इनवर्स की क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच है। क्वेश्चन ये कह रहा है इस ब्रांच को छोड़ दो जो गिवन होती है, और बताओ कौन सी ब्रांच हो सकती है। तो कई सारी हो सकती है। तो अब देखते हैं कैसे इसको मीनिंग समझो, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से समझें। देखो साइन इनवर्स एक्स की अगर बात करूं मैं, इस फंक्शन की अगर बात करूं, अच्छे से समझना, जहां डाउट हो मुझे रोकना, ठीक है सर। साइन इनवर्स इस एक्स की जगह पर, इस एक्स की जगह पर आप वन और माइनस वन के बीच में ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, पक्की बात है, क्योंकि इसका डोमेन है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, माइनस वन से प्लस वन, तो यही तो पुट कर सकते हैं। अच्छा अब बात कर रहे हैं साइन इनवर्स की, तो साइन इनवर्स इधर भी लिख दो, साइन इनवर्स इधर भी लिख दो, और साइन इनवर्स इधर भी लिख दो। तो यहां से आंसर क्या आता था, माइनस पाई बाई टू, और यहां से क्या आता था, पाई बाई टू। देखो देखते ही देखते आपका ये प्रूफ हो गया। जो बच्चे याद करते हैं वो इस तरीके से भी, अगर आपको डोमेन याद है तो रेंज तो आप ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। तो ये तो आ गया साइन इनवर्स एक्स का, क्या चमका। लेकिन यार कह रहे हैं इसके अलावा, अब आपको आज मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ, ये बोलना क्या चाह रहा है, ये कंसेप्ट क्या। देखो बड़े प्यार से, और एक ट्रिक बता देंगे कि आप एक सेकंड में कर देंगे, बट मैं पहले रटाना नहीं चाह रहा हूँ कोई चीज, समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप देखते ही कर देंगे, कितना भी टफ क्यों ना हो। देखो पाई बाई टू, पक्की बात है ये एंगल पाई बाई टू का लगभग, ये लाइन किसकी है, पाई बाई टू की, और ये इधर किसकी होगी, माइनस पाई बाई टू की, क्या चमका। अगर आप इधर पॉजिटिव गए तो प्लस 90, नेगेटिव गए तो माइनस 90, मतलब साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो इसी के बीच में नाचती रहेगी। यस और नो, इस तरफ नाचेगी, इसी तरफ रहेगी, मतलब इस तरफ आने का तो कोई भी सवाल है नहीं, क्या चमका। तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तो ये हो गया। अब कह रहे और बताइए सर, और बताइए। अब देखो आप यहां पर खड़े हैं, क्लियर है। अब आप यहां से चलो प्लस पाई बाई टू, वो तो पहले से ही आ चुका है। अब हम आएंगे इसके पास, किसके पास, जैसे यहां से चले, यहां से चले, इस लाइन पर आए तो कितना एंगल घूम गए, 270, और 270 को अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना हो गया, 3π/2, क्या चमका। आप यहां पे अब आ गए आप 3π/2 पे, अब आप जाएंगे इसके पास, मतलब 180 और एड हो गया तो कितना हो गया, 5π/2। जिनको समझ नहीं आ रहा मैं उनको फिर से बता रहा हूँ, प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू था हमारा ये था। अब क्या है, प्लस पाई बाई टू इतना पोर्शन हो गया, माइनस पाई बाई टू इतना पोर्शन हो गया, मतलब साइन इनवर्स का जो रेंज है वो इसके बीच में ही रहने वाला है, इधर रहने का तो कोई सवाल है नहीं। अब यहां से चले, यहां पे आए पाई बाई टू, ये तो पहले से हो चुका, अब यहां तो रुकेंगे नहीं कहीं भी, तो सीधे कहां पे रुकेंगे, यहां पे आ गए, तो ये एंगल कितना हो गया, 3π/2, क्लियर है सर। अब आप यहां पे आ गए हैं, अब आप यहां का काम तो हो गया, अब आप जाएंगे इसके पास, इसके पास जाएंगे मतलब क्या, 270 तो यहां तक हो गया, अब 180 और घूमे तो 270 में अगर आप 180 ऐड करते हैं, 0, 8, 7, 15 कैरी लगा एक, कितना हो गया, 450। अब इसको चेंज करो किस में, रेडियन में, तो 5π/2 आ गया, 2 आएगा 3 आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब आप यहां पे आ गए ना भैया, क्लियर। तो एक प्रिंसिपल ब्रांच ये हो गई और ये हो गई, मतलब दूसरी प्रिंसिपल ब्रांच क्या हो गई, 3π/2 से 5π/2, क्या चमका। अब आप कहां पे आ गए भैया, यहां पे आ गए आप। अब आप फिर ऐसे चक्कर चलाते रहो चलाते रहो चलाते, 1000 इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएंगी, क्या चमका। लेकिन ये मैंने लॉजिक से बता दिया, अदरवाइज कभी क्वेश्चन आए तो पता है कैसे करेंगे। देखो अब आप एक सेकंड में कैसे करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो ये होती है, क्लियर है। कॉस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो ये होती है, क्या चमका। टेन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो माइनस पाई बाई, यही तो होता है भैया। अब देखो एक सेकंड में आप कैसे करेंगे, 11th क्लास में हमने पढ़ा है या 12th की, कि साइन एक्स का जो रिपीटेशन होता है वो 2π बाद होता है, मतलब 360 के बाद हर किसी में 360 ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। माइनस पाई बाई टू में
टू पाई ऐड कर दो और पाई बाई टू में टू पाई ऐड कर दो, तो देखो आंसर आ गया। तो ये कितना होगा, थ्री पाई बाई टू, और ये कितना होगा, अगर एक और आंसर पूछे फिर से टू पाई ऐड कर दो, फिर से पूछे फिर से टू पाई, ऐसे इसमें मैंने किसका पूछा, कॉस का पूछा था ना, तो टू पाई जीरो में ऐड करो कितना होगा, और टू पाई इसमें ऐड करो कितना होगा, थ्री पाई, तो कौन सा दिख रहा है, क्या जमगा। लेकिन चलो ये तो रटाने वाली बात होगी, टू पाई ऐड कर, ऐसे मैं आपको कॉस का भी बताता हूँ। देखो कैसे, कॉस की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो जीरो से पाई होती है, जीरो हमारे पास क्या रहा, ये रहा, पाई हमारे पास कितना रहा, मतलब इतने के बीच में घूमेगा। अब बंदा वो यहाँ से चला, इतना तो हो गया, अब वो दोबारा इसके पास आएगा, दोबारा इसके पास मतलब एक चक्कर पूरा तो टू पाई, अब वो इसके पास जाएगा, पाई और घूम गया, कितना हो गया, थ्री पाई। ऐसे एंजॉय करते रहो, क्या चमका, अगर ये आ गया तो गलत हो जाता है, किसी का भी बोलो पूछ सकते। लेकिन हाँ, लेकिन हाँ डियर, एक बार टेन का जो रिसाइकिल होता है वो पाई के बाद होता है, ना कि टू पाई के बाद होता है, पता है ना आपको, साइन का और कॉस का जो रिपीटेशन होता है वो टू पाई के बाद होता है, टेन का किसके बाद होता है, पाई के बाद, तो टेन के केस में पाई पाई ऐड करेंगे इसमें भी और टू पाई ऐड कर दे, वो भी आंसर आएगा, टू पाई से भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, क्योंकि पाई का दो बार रिपीटेशन हो गया तो टू पाई बन जाता है आगे जाके, तो बट याद रखेंगे। क्या चमका, मैं समझाने में सक्षम रहा नहीं रहा, पक्की समझ आई ना बात, हाँ ये आ जाता तो हिल जाते। चलो अमृत तू टेंशन में क्यों है, ठीक है चलिए देखिए। अच्छा ये अभी तो सिंपल है यार, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो वही है, इसको अलग अलग कर सॉल्व करो और बाद में ऐड कर देना। तो कॉस इनवर्स, तो इसको अगर मैं लिखूं 1/2 वैल्यू किसकी होती कॉस में, पाई बाई थ्री की ना, क्योंकि कॉस 60 तो पाई बाई थ्री, कॉस से कॉस हट गया, तो पाई बाई सिक्स, हाँ यही हो गया प्लस टू। अब साइन में देखो ये कितना है, 30 बोलते पाई बाई सिक्स, हाँ भैया बीच में आ रहा है पाई बाई सिक्स भी, जो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, टू थ्री जा सिक्स, तो पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई थ्री कितना हो गया, टू पाई बाई थ्री, ठीक है। हेलो, हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, ओके हाँ जी बताइए, कौन सी क्लास, ठीक है सर। अब देखो, अब ये माइनस का टेन पाई बाई फोर है, देखो टेन में क्या होता है, माइनस अंदर भी चला जाता है, अब टेन का जो अगर प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, भैया बीच में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई फोर। अच्छा ये तो ठीक है ना, ये समझ आया नहीं आया, ये पाई बाई थ्री वो 60 60 120, ठीक है। अब यार ऐसे ये कर लो, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, ऐड कर दो, जल्दी से करेंगे। चलो टेन इनवर्स ये माइनस रूट थ्री वैल्यू किसकी होती, 60 की, 60 बोलते पाई बाई थ्री, और ये माइनस किसके इसके अंदर जाएगा, तो इसका आंसर कितना जाएगा, माइनस का पाई बाई थ्री। क्या चमका, फास्ट कर रहा हूँ क्या मैं, अगर जिनको लग रहा है फास्ट कर रहा हूँ, हाँ जी बिल्कुल कर रहा हूँ, मुझे भी फील हो रहा है, लेकिन ये बेसिक चीज़ है यार, ये समझाएंगे तो फिर इंट्रो पार्ट फिर देखो फिर आप दबा के। चलो अच्छा सेक इनवर्स, अच्छा माइनस टू वैल्यू किस में होती, सेक में, तो 1/2 कॉस में कितनी 60 की, तो ये भी 60 की हो जाएगी, तो सेक पाई बाई थ्री। अब कोई होशियार बच्चे ऐसा नहीं करे कि ये माइनस अंदर लेके जाए, सेक में नहीं जाता है, ठीक है सर, माइनस कॉसेक, कॉसेक में 2/√3 वैल्यू किसकी होती है, 60 की होती होगी, आपको टेबल याद होना चाहिए, तो कॉसेक 60 बोलते पाई बाई थ्री, और कॉसेक की ब्रांच क्या होती है, हाँ बीच में आ रहा भैया, कॉसेक का तो आंसर यही हो जाएगा, माइनस पाई बाई थ्री, बीच में आ रहा ना ये, तो इसमें देखते हैं भाई, इसका थोड़ा सा अलग निकाल लो इसको साइड में, ठीक है सर। चलिए अच्छा अब यार इसकी क्या जुगाड़ करेंगे, तो देखो जरा ध्यान से, इसको हम सेक किस किस में नेगेटिव था, पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो कितना आ गया, टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री बोले तो, टू पाई बाई थ्री बोलते 120। अब सेक इनवर्स की ब्रांच क्या होती है, जीरो से पाई, मतलब देखो भैया बीच में आ गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, टू पाई बाई थ्री, अब इसे चेक कर लियो, माइनस पाई तो जीरो आ गया, बहुत खुशी की बात है, बस इस तरीके से कल और क्या। अरे हाँ हाँ यार सही है, मुझे यार यही चीज़ें कभी समझ नहीं आई और ना मैं कभी कर पाया, मतलब मैं सब रिटर्न प्रोसेस मेरा बड़ा गंदा है, आप लोग समझते हैं, लेकिन कंसेप्ट आना चाहिए आपको, बस मेरा
इस पे ज़्यादा फोकस रहता है, आपको आना चाहिए चीज़ें। लेकिन एक ने कहा मैथ्स में कहाँ ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। अब तो ऑब्जेक्ट में दबा करो तो ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में दही रखते हैं कल, और सेकंड पार्ट बना खत्म करते हैं इसको।